Hello students, today we learn subject 10, chapter number 3. Chapter number 3 में last time अपने mean के सम देखे थे, when only x is given, when only x is, f x is given and when class is given. ये तीन type के सम अपने देखे थे. आज अपने देखेंगे combined mean. Combined mean का क्या formula है? X bar c is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 upon n1 plus n2. अगर n3 है तो n3 तो x bar 3, n4 है तो n4 into x bar 4 upon n1 plus n2 plus n3 plus n4. ये इसका combined mean का formula होता है. फिर weighted mean. Weighted mean का क्या formula है? X bar w is equal to sigma xi wi upon sigma wi. Here is the sum of x bar c, n1 10, x bar 1 20, n2 10, x bar 2 30. X bar c अपने find करने का. अब x bar c का फॉर्मूला लिखेगा n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 upon n1 plus n2. n1 10, x bar 1 20, n2 10, x bar 2 30 upon n1 plus n2. n1 10, n2 10, तो 10 plus 10 20 हो जाएगा. अब ये इसका मल्टीप्लाई करने का 200, इसका मल्टीप्लाई करने का 300, ये दोनों का टोटल 20, 500 डिवाइड बाय 20 तो आएगा 25. ये x बार c मिलेगा, कंबाइंड मीन मिलेगा. अब सेकंड सम जिसमें ऑलरेडी x बार c अपने को दे दिया है, 10 स्टूडेंट्स कंबाइंड मीन इज 10, 10 स्टूडेंट है उसका कंबाइंड मीन मतलब x बार c 10 है. 6 आर बॉयज, 6 बॉयज है 10 गर्ल्स में से, तो 4 क्या आएगी गर्ल्स, 6 बॉयज है और उसका मीन 5. व्हाट इज द गर्ल्स मीन, गर्ल्स का मीन क्या होगा वो अपने फाइंड करने का है. सबसे पहले नीचे लिखेंगे n 10 x bar c 10, n 1 6, 6 बॉयज तो n 2 क्या होगा 4, n 2 क्या आएगा 4. अब 6 बॉयज का मीन मतलब x bar 1 5 और x bar 2 अपने फाइंड करने का. अब x bar c का ही फॉर्मूला लिखेंगे अपने, x bar c is equal to n1 into x bar 1, n2 into x bar 2 upon n1 plus n2. x bar c 10, n1 6, x bar 1 5, n2 4, x bar 2 अपने फाइंड करने का. n1 plus n2 10. अब इसको सॉल्व करेंगे अपने, 10 into 10 100, 6 5 are 30, 4 x bar 2 100 minus 30 is equal to 4 x bar 2. 70 is equal to 4 x bar 2. 70 divided by 4 is equal to x bar 2. तो x bar 2 आएगा 17.5. ये दो सम कंबाइंड मीन के हुए. अब थर्ड सम फाइंड वेटेड मीन. वेटेड मीन में xi wi होता है, xi और wi. xi wi का सीधा मल्टीप्लिकेशन करने का, ये xi wi का मल्टीप्लिकेशन करा हुआ है. 10 5 जा 50, 24 जा 80, 33 जा 90, 42 जा 80, 51 जा 50. फिर xi wi का टोटल करने का और wi का टोटल करने का. फिर वेटेड मीन का फॉर्मूला लिखने का, x bar w is equal to सिग्मा xi wi upon सिग्मा wi. xi wi का टोटल 350 डिवाइड बाय wi का टोटल 15. 350 डिवाइड बाय 15 23.33. ये x bar w मिलेगा.